वेलकम फ्रेंड्स, मेरा नाम है मनोज कुमार और आप देख रहे हैं कंप्यूटर ज्ञान गुरु चैनल। दोस्तों, पेंट के ट्यूटोरियल के अंतर्गत हम बढ़िया बढ़िया नेचर बनाने बता रहे हैं, अच्छी ड्राइंग बता रहे हैं, लेकिन हम बैकग्राउंड को कैसे तैयार करेंगे, एक अच्छा कलर मिक्स कलर के लिए बैकग्राउंड कैसे तैयार करेंगे, वो हम इस वीडियो में खास करके बताने वाले हैं। और कुछ टेम्पलेट्स बने हुए मैं इस वीडियो के लास्ट में आपको दिखाऊंगा। आपको जो टेम्पलेट्स अच्छा लगे वो आप डाउनलोड कर सकते हैं। कहाँ से डाउनलोड करेंगे, इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मैं नीचे लिंक डाल दूंगा, जिस लिंक पे आपको जो टेम्पलेट चाहिए वो क्लिक करके वहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं और अपनी ड्राइंग बना सकते हैं। तो इस तरह की मिक्स कलर की बैकग्राउंड्स हम किस तरह तैयार करेंगे वो हम इस वीडियो में सीखेंगे। तो आइए सीखते हैं। चलिए पहले तो एक टेम्पलेट बनाना सीख लेते हैं, फिर मैं आपको कुछ रेडीमेड टेम्पलेट्स बना के वीडियो के लास्ट में डाल दूंगा, ठीक है। आप जिसको डाउनलोड करके उसका अच्छा यूज़ कर सकते हैं। तो जो हमारे पास पेज है इसको मैं थोड़ा सा छोटा कर लेता हूँ, ठीक है। 50% मैंने इसको कर लिया, साइज़ छोटा नहीं किया है, साइज़ उतना ही है, मैंने उसका जूम कम कर लिया है थोड़ा सा, ठीक है। एक बार हम लाइन उठाएँगे यहाँ से और बैकग्राउंड में जो मेन कलर आपका जो होना है उस मेन कलर को हम उठा के और एक लाइन बना देंगे इसके बीचों बीच, ठीक है। तो मेरा मेन कलर लगभग इस प्रकार का होना है, तो मैंने ये लाइन यहाँ पे बना ली। अब यहाँ पे कुछ लाइनें और मैं बना लेता हूँ, इसी कलर से बना लेता हूँ मैं। एक मैंने लाइन यहाँ बना दी, एक मैंने लाइन यहाँ पे बना दी, एक लाइन यहाँ बना लेता हूँ, ठीक है। ऐसे ही यहाँ भी मैंने लाइन खींच ली। आइडिया से बना लेनी है लाइनें, ये ज़्यादा नहीं है कि हमको सिर्फ ये डिज़ाइन चाहिए। एक थोड़ा सा कलर यहाँ डाल देंगे। अब इनमें कलर क्या क्या डालना है, सबसे पहले मैं ऑरेंज कलर ही यूज़ कर लेता हूँ। मैंने यहाँ फिल कर लिया, यहाँ फिल कर दिया ऑरेंज कलर, ठीक है। रेड कलर मेरे पास ज़्यादा हो जाएगा, मैं एक काम करता हूँ रेड कलर को थोड़ा सा कम कर लेता हूँ, क्योंकि अगला कलर मैं रेड कलर ही डालने वाला हूँ। तो मैं यहाँ से इसमें ऑरेंज ले लूँगा इतना और ये अब थोड़ा ले लेता हूँ रेड कलर, थोड़ा ले लेता हूँ येलो कलर, फिट। अब हमने इन कलर को मिक्स करना है। कैसे मिक्स करेंगे अब देखना, हम चले जाएंगे इसके रिसाइज में, ठीक है। और रिसाइज में सिर्फ इसका हॉरिजॉन्टल कम कर देंगे, तो यहाँ पे जो मेंटेन लिखा है ना, मेंटेन एक्सेप्ट रेशियो, इसको हटा देंगे और यहाँ पे ओनली 1 रखेंगे हॉरिजॉन्टली, वर्टिकली पूरा रहने देंगे 100 और ओके। तो आप देखो कि इमेज बिल्कुल सिमट जाएगी, यहाँ बन गई थोड़ी सी ना। अभी इसको और समेटना है, फिर से रिसाइज करेंगे, मेंटेन रेशियो को हटाएंगे, यहाँ से फर्म, इसको 1 रखेंगे और ओके। अब इसको फिर से हम बढ़ाएंगे, इस मेंटेन रेशियो को फिर से करेंगे और यहाँ पे हम कर लेंगे इसको 500, थोड़ा सा जल्दी जल्दी बढ़ाएंगे, ओके। थोड़ी सी बढ़ी, फिर से हम जाएंगे मेंटेन रेशियो पे, यहाँ से फिर से करेंगे 500 और ओके। तो अब जो खिंच के आएगी जो इमेज हमारी, वो देखना कलर मिक्स होके आएंगे, 5 ओके। फिर से हम रिसाइज पे जाएंगे, इसको फिर से 5 ओके। अब थोड़ा सा और बढ़ाना है, अगर इसको 500 कर दिया तो ये ज़्यादा हो जाएगा, इसको इसका डबल कर लेते हैं, 200 कर लेते हैं इस बार हम। इसको मैं कर लूँगा 200 ओके। तो देखो जो हमारे कलर थे वो देखो कैसे मिक्स होके एक साथ आ गए यहाँ पे, ठीक है। यहाँ थोड़ा सा मैंने डार्क कम लिया क्योंकि येलो मैंने ऊपर तक डाल दिया, येलो थोड़ा सा कम लेना था, येलो ज़्यादा डल गया यहाँ पे। कोई बात नहीं, ये ध्यान रखना है इस चीज़ का आप लोग। अब हमने यहाँ पे ड्राइंग बनाना शुरू करना है। आप ड्राइंग में जो मर्जी ड्राइंग बना सकते हैं। एग्जाम्पल की मैंने यहाँ पे पेड़ बनाने हैं, तो क्या करेंगे, अलग से पेड़ बनाएंगे, यहाँ पे नहीं बनाएंगे। एक मैं यहाँ पे साइड में थोड़ा सा वाइट ले लेता हूँ, क्योंकि अगर यहाँ पे पेड़ बना दिया हमने और उसमें कलर डालेंगे तो देखो मैं आपको एक इफ़ेक्ट दिखाता हूँ कि क्या इफ़ेक्ट पड़ेगा। या तो ब्रश से बनाएं, एक बार मैं ब्रश चला के दिखाता हूँ आपको। अगर हम यहाँ पे ब्रश चलाएंगे, हमने कलर ले लिया, तो देखो ब्रश तो हमारी सही चलेगी, देख रहे हो ना, हमने ये ब्रश चला दी। अब हम यहाँ पे कलर फिल करना चाहें इसके अंदर, तो देखो यहाँ पे फिल करेंगे ना कलर, तो ये ऐसे लाइनें बनेगा, क्योंकि यहाँ पे रेसे बन गए, जो पहले कलर था उसके रेसे बन गए, रेसे के हिसाब से कलर डालेंगे। तो हम ये चीज़ यूज़ नहीं करेंगे, हम यहाँ से इसको हटा लेते हैं, या तो ब्रश यूज़ करें या फिर हम कर्व लाइन लेके यहाँ पे अलग से पेड़ बनाएं बाद में, ठीक है। यहाँ पेड़ बनाएंगे हम, हमने यहाँ पे पेड़ बना लिया, उसका तना बन गया,
इसमें कलर डाल के इसको उठाएं, हम यहाँ से ट्रांसपेरेंट कॉपी कर लेंगे इसको। ऐसे हमने इसके दो पेड़ बनाने हैं, तो मैं क्या करूँगा, इसको कॉपी कर लूँगा। यहाँ से सेलेक्ट किया, कंट्रोल सी फॉर कॉपी, कंट्रोल वी फॉर पेस्ट, इसको टिका लिया। इस पेड़ को उठाएंगे, दो ही पेड़ लगाएंगे, बस ज़्यादा नहीं लगाएंगे, दोनों पेड़ लग गए। अब इनकी ये बनानी हमने पत्तियाँ, पत्तियों को भी आराम से बना सकते हैं, कोई स्पेशल ये इफ़ेक्ट देना चाहें। एग्जांपल हमने पत्तियाँ बनानी है, तो देखिए हम कैस किस प्रकार बनाएंगे। पहले हम ब्रश उठाएंगे और पत्ती जिधर हमने घुमानी है उधर शेप बना लेंगे पत्ती के में से। ब्रश का साइज़ थोड़ा सा बड़ा ले लेते हैं, ठीक है, ऐसे हम उसकी पत्तियाँ ब्रश से बना देंगे। ठीक है, इसको बन जाने के बाद हम इसको भी कॉपी कर लेंगे यहाँ से, कंट्रोल सी और कंट्रोल वी। इसको हमने रख दिया, कंट्रोल वी एक और यहाँ पे रख दिया, कंट्रोल वी। इसको हम क्या करें, फ्लिप कर लें, फ्लिप रोटेट के अंदर हम इसको हॉरिजेंटली फ्लिप कर लेंगे। ठीक है, ये पत्ती यहाँ पे आ गई, फिर से कंट्रोल वी, ये इसको भी हम फ्लिप कर लेंगे। तो ज़्यादा हमको बार 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 पत्तियाँ नहीं बनानी पड़ेंगी। देखो तो चार पत्तियाँ एक बार में लग गई, तो इसको हटा देते हैं और अब एक पत्ती बना लेंगे थोड़ी सी ऊपर की साइड में। इधर बना ली हमने, इसमें हम भर देंगे कलर। वापस इसको भी सिलेक्ट कर लेंगे, कॉपी और पेस्ट, टिका दिया, फिर से पेस्ट, टिका दिया, फिर से हम इसको पेस्ट करेंगे और फ्लिप कर लेंगे। ठीक है, इसको इधर टिका दिया और फिर से पेस्ट कर लेंगे और फिर फ्लिप कर लेंगे। अगर आप डायरेक्ट यहाँ पे बनाना चाहें, आपका हाथ साफ है, तो यहाँ भी सीधा बना सकते हैं। मैंने अलग से आपको बना के सही तरीके से यहाँ पे रखना बता दिया, जल्दी बन जाएंगे, है ना, क्योंकि यहाँ से तो कॉपी करेंगे कर नहीं पाएंगे, यहाँ से कॉपी करेंगे तो फिर ये कलर साथ में थोड़ा बहुत आएगा। यहाँ पे डायरेक्ट बनाना चाहें तो यहाँ भी बना सकते हैं, हम ब्रश उठाएंगे। देखो यहाँ पे अगर हम यूँ झाड़ झाड़ बनाना चाहते हैं तो यहाँ झाड़ बना सकते हैं आराम से, ज़रूरी नहीं है कि हम वहाँ बना के रखें सारी चीज़ें, यहाँ भी बना सकते हैं। बन गए झाड़। इसके अलावा और भी कुछ बनाना है, हमने टीला बनाना है यहाँ पे, तो टीला बना सकते हैं आराम से। लेकिन यहाँ पे क्या होगा, टीला तो बना दिया, लेकिन अब इसमें देखो कलर डालोगे ना, तो यहाँ पे कलर ऐसे ही लाइनों में फिल होगा, पूरी तरह कलर यहाँ पे फिल नहीं हो पाएगा। तो हमको यहाँ फिर से ब्रश का ही यूज़ करना पड़ेगा इसमें कलर फिल करने के लिए। ब्रश का साइज बढ़ा लेते हैं, और यहाँ भी हम एक दो झाड़ इस तरह से बना सकते। अब अगर बोट बना के यहाँ पे दिखाना चाहे तो बोट भी बना सकते हैं। मैं यहाँ से इसको तो हटा लेता हूँ और एक बोट बनाते हैं यहाँ। बोट बन गई, इसको भी हम यहाँ से उठा के जहाँ पे रखनी होगी हम यहाँ रख के चला देंगे। यहाँ कलर थोड़ा सा, अब एक सन भी चाहिए हमको, तो सन बनाने के लिए हम सर्कल यूज़ कर लेंगे। इसमें क्या करते हैं, हम थोड़ा सा ना एक स्प्रे मार लेंगे हल्का सा। स्प्रे का साइज हम ले लेते हैं, ये थोड़ा सा बड़ा स्प्रे का साइज ले लेंगे, ठीक है, और ऑरेंज कलर से हम यहाँ पे थोड़ा सा स्प्रे मार देंगे, तो ये थोड़ा सा कलर सा मिक्स हो जाएगा, सूरज इस तरह का दिखाई देगा, डूबता हुआ है सूरज। अब येलो कलर ही ले लेंगे, ब्रश उठाएंगे प्लेन वाली, और ब्रश का साइज़ ये ले लेते हैं, और यहाँ हमने दिखाना ना वाटर के अंदर भी हमने थोड़ा सा ये सूरज का ये दिखाना हमने, ठीक है, इन पेड़ों पे भी दिखाना चाहे यहाँ भी कुछ लाइन है, यूं लगा सकते हैं ताकि सूरज की यहाँ पे लाइट इस तरह से दिखाई दे।
कुछ पक्षी बना सकते हैं, वो भी बड़े आसान है। ब्रश हम ले लेंगे, पेन वाली ब्रश उठाई हमने, ब्लैक कलर उठा लिया और साइज इसका लगभग ठीक है। अब यहाँ पे देखो हमने यूं पक्षी बनाने हैं मान लो, तो आराम से ये ब्रश से यूं बिल्कुल आराम से पक्षी बन जाएंगे, कोई दिक्कत ही नहीं आएगी। अब जो फालतू का वाइट स्पेस हमने वर्क एरिया लिया था रफ के लिए, उसको हम बंद कर देंगे और ये लो हमारा नेचर बढ़िया वाला तैयार है। और भी मैं आपको ऐसी टेम्पलेट्स आगे वीडियो में बताऊंगा, पहले तो जो मैं आपको बैकग्राउंड दे रहा हूँ वो आप डाउनलोड कर सकते हैं, खुद प्रैक्टिस कर सकते हैं, फिर उनके ऊपर हम कैसे कैसे डिज़ाइन तैयार कर सकते हैं वो भी मैं आपको बताऊँगा। बच्चों आपने देखा है कुछ टेम्पलेट्स मैंने बना के रखे हैं, इनमें से जो टेम्पलेट आपको अच्छा लगे वो आप नीचे डिस्क्रिप्शन में से डाउनलोड कर सकते हैं। और इन टेम्पलेट्स पे हम क्या क्या ड्रॉ कर सकते हैं, कैसी अच्छी ड्राइंग्स बना सकते हैं, वो भी हम सभी टेम्पलेट्स पे आगे वीडियोस में आपको बताते रहेंगे। हमारे वीडियो आपको कैसा लगा ये हमें कॉमेंट्स में ज़रूर बताइए, हमारे वीडियोज़ को अपने दोस्तों में शेयर कीजिए, हमें लाइक कीजिए, और यदि नए हैं आप हमारे चैनल पर तो हमें सब्सक्राइब भी ज़रूर कर लीजिएगा। धन्यवाद दोस्तों।